रूस ने दो टूक बोल दिया कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना अमेरिका को भारी पड़ेगा, और ये रूस और पश्चिमी देशों या यूं कहें कि रूस और अमेरिका के सीधे टकराव की वजह बन सकता। यूक्रेन जंग में कभी रूस भारी पड़ा तो कभी दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस के सैनिकों को मजा चखाया, और अमेरिकी हथियारों के दम पर रूस की सेना की नाक में दम कर दिया, क्योंकि जंग के 224 दिन बाद भी अमेरिका लगातार यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार दे रहा है। रूस के गुस्से की यही वजह है, और अब तो लगता है यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका और रूस की सीधी लड़ाई करवा कर ही मानेगी, क्योंकि यूक्रेन को हथियार देने पर अमेरिका में रूस के राजदूत ने बाइडेन को सीधी चेतावनी दी और बोल दिया कि इसकी वजह से रूस और पश्चिमी देशों की सेनाएं आमने सामने आ जाएंगी। ये किसी से छिपा नहीं है कि पुतिन यूक्रेन में मरने मरने को तैयार है, और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसका बुरा हश्र होगा। और रूस के राजदूत ने इस बार ये बात बिना घुमाए फिराए बोल दी, क्योंकि अमेरिका हो या उसके सहयोगी नेटो देश, दोनों ही पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज में हैं। और भड़के पुतिन का गुस्सा बढ़ा तो वो उन पर ये हथियार चला भी सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस से ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि यूक्रेन अमेरिकी हथियारों के दम पर जंग लड़ता रहे, और यूक्रेन में हार या जीत का फैसला लटका रहे। जब जंग शुरू हुई थी तो दावे किए गए थे कि रूस केवल 7 दिन में यूक्रेन पर जीत हासिल कर लेगा, लेकिन 7 महीने से ज्यादा हो गए। रूस का यूक्रेन के किसी हिस्से पर ढंग से कब्जा नहीं हो पाया है, उल्टा रूस जिन जगहों पर जीत का दावा करता है अगले ही दिन यूक्रेन वहां फिर से घुस जाता है। पूर्वी यूक्रेन का लेमान शहर इसकी ताजा मिसाल है, क्योंकि ये शहर डोनेस्क का हिस्सा है और पुतिन ने यहां जनमत संग्रह करवाकर इसे रूस में मिलाने की घोषणा कर दी थी। इसके अलावा खार्किव के इज्यूम शहर में भी यही हुआ था। मतलब ये कि रूस 2 कदम आगे बढ़ता है तो यूक्रेन उसे 4 कदम पीछे धकेल देता है। यूक्रेन की जंग में बार बार वापसी की बड़ी वजह है अमेरिकी हथियार, जिन्होंने यूक्रेन की छोटी सी सेना को इतना बलशाली बना दिया कि वो पुतिन के पंजे से अपने इलाकों को छीन रहा है। अमेरिकी हथियारों की लंबी चौड़ी खेप का यूक्रेन पहुंचना लगातार जारी है, और एक बार फिर अमेरिका ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन को करीब 62 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। और रूस के यूक्रेन में जनमत संग्रह करवाने के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। वैसे जनमत संग्रह से कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को 88,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद और हथियार देगा, जिनमें हाई मार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और होवेट्जर दोनों शामिल हैं। और जनमत संग्रह के कुछ ही दिन बाद अमेरिका फिर से यूक्रेन को यही हथियार देने वाला है। मतलब साफ है कि यूक्रेन जंग में भले ही यूक्रेन की सेना खड़ी है, लेकिन लड़ अमेरिका रहा है, और पुतिन इसी वजह से आग बबूला है, जिन्होंने अमेरिका में अपने राजदूत के जरिए बाइडेन को संदेश भिजवा दिया कि अगर उन्होंने यूक्रेन की मदद करनी जारी रखी तो उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब रूस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाइडेन और नेटो देश जंग की आड़ में डबल गेम खेलें और दुनिया को ये दिखाएं कि वो रूस के साथ जंग नहीं लड़ रहे। पुतिन परमाणु हथियार की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं। अब वो केवल अमेरिका नहीं बल्कि नेटो में शामिल 30 देशों से भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि उनके बार बार कहने के बावजूद भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होती रही। पिछले कुछ महीनों में तो इसकी रफ्तार बढ़ चुकी है, यानी न ही अमेरिका माना और न उसके दोस्त। उन्होंने यूक्रेन को जंग में बनाए रखा और पुतिन के गुस्से की आग में घी डालते रहे, और अब ये आग इतनी भड़क चुकी है कि बाइडेन समेत पूरा का पूरा नेटो इसमें झुला सकता है, क्योंकि ये तो करीब करीब तय है कि पुतिन यूक्रेन में पीछे नहीं हटेंगे, वरना वो अपने 3 लाख सैनिक यूक्रेन भेजने का ऐलान नहीं करते। यानी पुतिन खत्म होने को तैयार हैं, हार मानने को नहीं।